दोस्तों दुनिया में कई सारे महिला एथलीट्स हैं जो प्रत्येक वर्ष कई सारे मेडल और करोड़ों का इनाम जीतती हैं। पर क्या आपको पता है कि इनमें से सबसे ज्यादा अमीर महिला एथलीट्स कौन हैं और उनकी कुल संपत्ति के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे रिचेस्ट महिला एथलीट्स के बारे में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नंबर 10 पर है एनिका सोरेनस्टाम। ये स्वीडन की रहने वाली एक रिटायर्ड प्रोफेशनल गोल्फर हैं। ये अपने समय के सबसे बेहतरीन और महान महिला गोल्फर मानी जाती हैं। इन्होंने अपने कैरियर में 10 सबसे मेजर चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। ये सबसे पहले IGPA टूर्नामेंट सन 2012 में जीती थी। ये ओलंपिक गेम में स्वीडन को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। कुछ मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार इनकी कुल संपत्ति $40 मिलियन बताया गया है, जिसका अधिकांश हिस्सा इन्होंने अपने कैरियर के दौरान सैलरी से कमाई थी और कुछ हिस्से इनके प्राइज मनी और एंडोर्समेंट डील से भी कमाई गई है। ये लगभग $38 मिलियन अपने कैरियर के दौरान प्राइज मनी और कई ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई हैं, जिसमें नाइकी, एसेंचर और रोलेक्स जैसी बड़ी ब्रांड शामिल हैं। इसके अलावा ये कई और बिजनेस के मालकिन हैं, जैसे कि गोल्फ कोर्स डिजाइन कंपनी और इनके खुद के एकेडमी भी हैं, जहां पर यंग गोल्फर को ट्रेन किया जाता है। इनके रियल एस्टेट बिजनेस में भी कई इन्वेस्टमेंट हैं। इनका फ्लोरिडा में एक घर भी है जिसकी कीमत आज के समय के $4 मिलियन बताए जा रहे हैं। नंबर 9 पे है नाओमी ओसाका। जापान की रहने वाली नाओमी ओसाका एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। ये अपने बचपन में 3 साल की उम्र तक जापान में रही थी, उसके बाद ये अमेरिका चली गई थी। इनकी उपलब्धि के बारे में अगर बात करूं तो ये 4 times ग्रैंड स्लैम चैंपियंस जीत चुकी हैं और ये जापान को ओलंपिक गेम में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। इनके करियर की शुरुआत 2013 में हुई थी और बहुत जल्द इन्होंने अपना एक इंटरनेशनल नेम फेम बना लिया था। मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो इनकी कुल संपत्ति $50 मिलियन बताया गया है, जिसका अधिकांश हिस्सा इन्होंने अपने करियर के दौरान खेल से और प्राइज मनी से कमाई है। ये अपने करियर के दौरान कई ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं और इससे अच्छा खासा रकम भी कमाई है। इनके इनकम कई ब्रांड एंडोर्समेंट से भी आती है, जैसे कि निशान, योनेक्स, और ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग $19 मिलियन प्राइज मनी जीत चुकी हैं और इन्होंने 1 साल में $60 मिलियन की कमाई कर चुकी हैं। इनके कई और भी बिजनेस हैं, जैसे कि क्लॉथिंग बिजनेस इनके ही नाम पर ओसाका एक्सोडियम, जो कि ADM कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है। इनकी एक महंगी घर भी है जिसकी कीमत $6.3 मिलियन बताया गया है। नंबर 8 पर है कैरोलिन वोजनियाकी। दोस्तों कैरोलिन डेनमार्क की रहने वाली एक फॉर्मर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए जूनियर प्लेयर की थी और सन 2005 में ये एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बन चुकी थी। दोस्तों अगर इनके कुल संपत्ति की बात करूं तो ऐसा बताया जाता है कि इनके पास कुल $30 मिलियन की संपत्ति है। इसका अधिकांश हिस्सा इन्होंने अपने स्पोर्ट्स करियर के दौरान कई ब्रांड एंडोर्समेंट और स्पॉन्सरशिप डील से कमाई की है, जिसमें से बड़े ब्रांड जैसे रोलेक्स, एडिडास और गोडीबा जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। इन्होंने ऑन फील्ड अपने कैरियर के दौरान $35 मिलियन की कमाई की है। इनके कई और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हैं। इनका आलिशान घर न्यूयॉर्क और मोंटी कार्लो जैसे शहर में भी है। अगर उसके कीमत की बात की जाए तो ये लगभग $6 मिलियन की संपत्ति बताई जाती है। दोस्तों इनके खुद के टेनिस कोचिंग एकेडमी भी है, यहां से भी इनके इनकम आती है। नंबर 7 पे है लीना। दोस्तों लीना एक चाइनीज टेनिस प्लेयर है जो अभी फिलहाल रिटायर हो चुकी हैं। लीना महज 16 साल की उम्र से ही टेनिस करियर की शुरुआत कर चुकी थी। ये सन 1999 में प्रोफेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर बन चुकी थी। ये अपने करियर के दौरान 2 ग्रैंड स्लैम भी जीत चुकी हैं और 32 साल की उम्र में इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया। अगर इनके कुल संपत्ति की बात करूं तो इनके पास कुल $60 मिलियन की संपत्ति है, जो कि बहुत सारे प्राइज मनी और कई एंडोर्समेंट डील से कमाई गई है। इनके एंडोर्समेंट नाइकी, मर्सिडीज बेंज और रोलेक्स जैसे बड़े ब्रांड के साथ हैं। ली एक टेनिस कोचिंग एकेडमी भी चलाती हैं और एडिशनली इनके रियल एस्टेट में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं, जिसमें कि लग्जरियस अपार्टमेंट शामिल हैं। अगर इनके कीमत की बात करूं तो ये लगभग $8 मिलियन की कीमत की प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 6 पर हैं डेनिका पैट्रिक। डेनिका एक अमेरिकन फॉर्मर प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर हैं। अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल वुमेन ओपन व्हील कार रेसिंग ड्राइवर इन्हें माना गया है। डेनिका अपने करियर की शुरुआत एक गो कार्ट ड्राइवर के तौर पर की थी और बाद में चलकर 2008 में इंडिकार सीरीज भी जीता था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनके कुल संपत्ति की बात की जाए तो इनके पास $60 मिलियन की कुल संपत्ति है, जिसका अधिकांश हिस्सा इन्होंने अपने कैरियर के दौरान प्राइज मनी और एंडोर्समेंट डील से कमाई है। इसके साथ ही कई स्पॉन्सरशिप्स अर्निंग भी जुड़ी हुई है। इनकी कई ब्रांड के साथ एंडोर्समेंट डील भी है, जैसे कि गो डैडी, एस्पेन डेंटल,
जहां से इन्हें मोटी रकम आती रहती है। इनके कई और भी बिजनेस हैं जिसमें क्लॉथिंग लाइन और वाइन कंपनी शामिल हैं। ये अपने करियर के दौरान 7.2 मिलियन डॉलर्स की सैलरी के तौर पर और 5 मिलियन डॉलर्स एंडोर्समेंट डील से कमाई हैं। इनके रियल एस्टेट में भी कई सारे इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें लग्जरियस होम जिसकी कीमत 3.5 मिलियन यूएस डॉलर्स बताई गई है। नंबर 5 पर हैं स्टेफी ग्राफ। स्टेफी एक जर्मन रिटायर्ड प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। ये अपनी पूरी स्पोर्ट्स करियर में 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुकी हैं। इन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 1982 में 13 वर्ष की उम्र में की थी। ये 22 ग्रैंड स्लैम महज 17 साल के करियर के दौरान ही जीती हैं। अगर इनके कुल संपत्ति की बात की जाए तो ये करीब 30 मिलियन यूएस डॉलर्स की संपत्ति की मालकिन हैं। इसका अधिकांश हिस्सा इन्होंने सक्सेसफुल करियर के दौरान बहुत सारे एंडोर्समेंट और स्पॉन्सरशिप डील से कमाई हैं। इन्होंने कई सारी बड़े ब्रांड के साथ एंडोर्समेंट डील साइन की हैं जिसमें एडिडास, मर्सिडीज बेंज और रोलेक्स जैसी बड़ी ब्रांड शामिल हैं। स्टेफी कई सारे टेनिस एकेडमी के ओनर भी हैं जहां से उन्हें मोटी रकम आती रहती है। इनके भी रियल एस्टेट में कई सारे इन्वेस्टमेंट हैं जिसकी कीमत 2.4 मिलियन यूएस डॉलर्स बताया गया है। नंबर 4 पे हैं वीनस विलियम। दोस्तों, वीनस एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं जो अमेरिका से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपने करियर के दौरान 7 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम की हैं। ये मात्र 14 साल की उम्र में ही ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुकी थी और ये लगभग 29 साल तक टेनिस खेलती रही और ये आज भी खेलती हैं। अगर इनके कुल संपत्ति की बात की जाए तो इनके पास 95 मिलियन यूएस डॉलर्स की संपत्ति है जिसका अधिकांश हिस्सा इन्होंने अपने करियर के दौरान प्राइज मनी और कई सारे बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट और स्पॉन्सरशिप से कमाई है। इनके कई बड़े ब्रांड के साथ एंडोर्समेंट डील भी हैं जैसे कि रिबॉक, विल्सन और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी बड़ी ब्रांड। इनके कई सारे और भी बिजनेस हैं जिनकी ये ओनर हैं जिसमें क्लॉथिंग लाइन, इंटीरियर डिजाइन और मियामी डॉल्फिन जैसे कंपनी शामिल हैं। फ्लोरिडा में कई सारे इनके मल्टीपल विलाज हैं और कई लग्जरियस होम भी हैं जिसकी कीमत आज के समय में 10 मिलियन यूएस डॉलर्स बताए गए हैं। नंबर 3 पर हैं एलेक्सिस डिजोरिया। एलेक्सिस एक प्रोफेशनल अमेरिकन ड्रैग रेसर हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 2008 में की थी। इनका करियर लगभग 12 साल तक चला। कुछ मैगजीन रिपोर्ट की अगर माने तो इनकी कुल संपत्ति 110 मिलियन यूएस डॉलर्स बताया गया है और इसका अधिकांश हिस्सा इन्होंने अपने सक्सेसफुल करियर के दौरान सैलरी के तौर पर और कई सारे ब्रांड एंडोर्समेंट और स्पॉन्सरशिप से कमाई है। इनके पिता भी एक बिलियनियर हैं और ये अपने पिता की एकलौती संतान हैं। इसके अलावा ये कई सारे और बिजनेस के मालकिन हैं जिसमें एक बहुत ही हाई क्वालिटी डायमंड ज्वेलरी जैसी कंपनी शामिल है जहां से इन्हें मोटी रकम आती रहती है। इनका न्यूपोर्ट में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज भी हैं जिसकी कीमत आज के समय के 11.65 मिलियन यूएस डॉलर्स बताया गया है। नंबर 2 पर है मारिया शारापोवा। मारिया एक रशियन रिटायर्ड प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। मारिया सन 2001 में अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो अभी के समय में इनकी कुल संपत्ति लगभग 195 मिलियन यूएस डॉलर बताया गया है। इसका अधिकांश हिस्सा इन्होंने अपने सक्सेसफुल करियर के दौरान सैलरी के तौर पर और कई सारे ब्रांड एंडोर्समेंट डील से कमाई है जिसमें नाइक और ईवीएम जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। ये लगभग 250 मिलियन यूएस डॉलर्स ऑन फील्ड कमाई कर चुकी हैं और ये कई सारे बिजनेस के मालकिन भी हैं जैसे कि सुगर पोवा, मारिया शारापोवा बाय कोल्हान और कई रियल एस्टेट में भी इनके इन्वेस्टमेंट हैं जिसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स बताई जाती है। नंबर 1 पर हैं अमेरिकन एथलीट्स सेरेना विलियम्स। इनके नाम तो आपने जरूर ही सुने होंगे। इन्होंने भी अपनी करियर की शुरुआत महज 14 साल की उम्र में की थी और ये सन 1999 में ही फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जीत चुकी थी और साथ ही 4 गोल्ड मेडल भी जीतती थी। अगर इनके कुल संपत्ति की बात की जाए तो आज के समय में इनकी कुल संपत्ति 260 मिलियन यूएस डॉलर्स बताई जाती है जिसका अधिकांश हिस्सा इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीतकर और कई सारे ब्रांड एंडोर्समेंट और स्पॉन्सरशिप डील के साथ कमाई है। इनके एंडोर्समेंट डील कई सारे बड़े ब्रांड के साथ हैं जैसे कि गेटोरेट, एस्टन मार्टिन, पेप्सी बीट्स इत्यादि। इनके नाइक ब्रांड के साथ 40 मिलियन यूएस डॉलर्स की कॉन्ट्रैक्ट साइन है जो कि इनके कमाई के सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा बनता है। सेरेना विलियम्स के कई और बिजनेस भी हैं जिसमें क्लॉथिंग लाइन, इंटीरियर डिजाइन और बहुत सारे ब्रांड डील्स भी हैं। इनके रियल एस्टेट में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं और इनके पास 12 मिलियन डॉलर्स के एक बड़े लग्जरियस मैंशन हाउस भी हैं। दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे रिचेस्ट फीमेल एथलीट्स। इनमें से कौन से फीमेल एथलीट्स आपके सबसे फेवरेट हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।